हेलो दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आप देख रहे हो टेक्निकल विकास भाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला अपने इंस्टाग्राम ट्विट्स अकाउंट को डिलीट और डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो, वो भी हम लोग सही तरीका बताने वाले, जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी डिलीट भी नहीं होगा, ना ही आपका अकाउंट इंस्टाग्राम का जो है डीएक्टिवेट होगा। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी। अगर वीडियो को जरा भी स्किप कर दे तो गाइस आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेड्स ऐप ओपन करना है। यहाँ से मैंने अपना ट्रेड्स ऐप ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखो प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ से जैसे आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हो, आपको कॉर्नर में दो लाइन दिखाई देगी, तो आपको दो लाइन पर जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको डीएक्टिवेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डीएक्टिवेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जैसे आप डीएक्टिवेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ डीएक्टिवेट ट्रेड्स प्रोफाइल, और यहाँ क्या लिखा है, डीएक्टिवेट योर प्रोफाइल टेम्पररी, योर प्रोफाइल ट्रेड्स रिप्लाई एंड लाइक विल बी हाइड, यूनिटली रीएक्टिवेट बाय लॉगिन बैक, अबाउट फॉर डिलीट योर डाटा। तो ये बोल रहा है कि आप अगर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हो तो आपकी लाइक जो है पोस्ट है हाइड हो जाएगी, अगर आप रिटर्न लॉगिन करते हो तो पोस्ट और लाइक जो है आपकी वापस आ जाएगी। तो यहाँ से ट्रेड्स हमको ये जानकारी दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डीएक्टिवेट ट्रेड्स प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको आर यू श्योर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ डीएक्टिवेट करना है हमें, तो हम डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डीएक्टिवेट पर क्लिक करते ही हमारा जो है डीएक्टिवेट हो चुका है अकाउंट। अब आपको यहाँ से अगर रिटर्न रीएक्टिवेट करना होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्विच अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से अब आप लॉगिन इनटू अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करके अपनी आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपका जो अकाउंट डीएक्टिवेट है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दे, ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।